सो प्यारे बच्चों, अच्छे डाउट्स के लिए हम एक बार फिर से हाजिर हैं। और आज के जो डाउट्स हैं वो क्या क्या थे? काफ़ी इंटरेस्टिंग डाउट्स थे, काफ़ी कंसेप्चुअल डाउट्स थे। इनको देख के लगता है कि बच्चे काफ़ी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। तो देखो, मुझे एक बच्चे ने डाउट भेजा। वो क्या भेजा? इस तरीके का एक सिस्टम दिया हुआ है और इस सिस्टम पर एक बेल्ट चढ़ी हुई है ऐसे। ठीक है, ये बेल्ट चढ़ी हुई है इस तरीके से। आपको पता है इस सिस्टम को क्या बोला जाता है? अभी बताता हूं मैं। ये बेल्ट और इन दोनों पहियों का रेडियस वगैरह सब कुछ सेम है, और ये जो सिस्टम है वो ग्राउंड पे विदाउट स्लिप किए रोल कर रहा है। रोल का मतलब समझ रहे हो ना? रोल का मतलब क्या है? रोल मतलब रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, रोलिंग विदाउट स्लीपिंग। तो इसकी जो ट्रांसलेशनल स्पीड है सिस्टम की, वो कितनी है? वी। मतलब ये जो दोनों पहिए हैं, ये वी से आगे भी बढ़ रहे हैं और ओमेगा से घूम भी रहे हैं। क्लियर? तो इसे बोला जाता है बेटा ट्रैक्टर ट्रैक्टर क्रॉलर। क्या बोला जाता है? ट्रैक्टर क्रॉलर, एक इंग्लिश वर्ड है। आप ये समझो कि एक सिस्टम में से बोला जाता है ट्रैक्टर क्रॉलर। आपने देखा होगा कि जो आर्मी वाले हैं वो एक व्हीकल का यूज करते हैं तोप के साथ, ठीक है ना? तो वो टैंकर जिसे बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, तोप को ले जाते हैं, तो उसके ऊपर चेन चढ़ी रहती है दो पहियों के ऊपर, और दो तीन पहिए रहते हैं। तरीके से चेन मूव करती है, उसे बोला जाता है ट्रैक्टर क्रॉलर, ठीक है ना? तो ये चेन चढ़ी हुई है, इसे बेल्ट बोल रहे हैं अपन, और ये दोनों पहिए घूमते घूमते कहाँ बढ़ रहे हैं? आगे। तो इनकी, ठीक है ना, एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? ओमेगा। और ट्रांसलेशनल वेलोसिटी कितनी है? वी। क्लियर? तो ओमेगा से घूम रहे हैं और वी से आगे बढ़ रहे हैं। कंसिडर क्या करना है? देर इज, इफ देर इज नो स्लीपिंग एनीवेयर, देर इज नो स्लीपिंग एनी वेयर, देन फाइंड द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ट्रैक्टर क्रॉलर, ट्रैक्टर क्रॉलर बेल्ट ऑफ मास एम इफ द ट्रांसलेशनल स्पीड इज वी एंड रोटेशनल स्पीड इज ओमेगा। ठीक है, ट्रैक्टर क्रॉलर हिंदी मीडियम वाले बच्चे, ऐसा कोई दो पहिए हैं, इनके ऊपर एक बेल्ट चढ़ा रखी है और एक घूमते घूमते कहां बढ़ रहे हैं? आगे। क्लियर? और ये रोलिंग विदाउट स्लीपिंग है, तो ये सिस्टम आगे बढ़ रहा है। आपको क्या करना है? आपको ज्ञात करनी है इस बेल्ट की गतिज ऊर्जा। किसकी? इस बेल्ट की गतिज ऊर्जा। और इस बेल्ट का जो मास दे रखा है वो कितना दे रखा है? एम। इस बेल्ट का टोटल मास कितना दे रखा है? सवाल समझ आ गया? ठीक है, आपको ज्यादा नहीं सोचना। ट्रैक्टर क्रोलर क्या है? इंग्लिश का वर्ड है, हम इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं, हम फिजिक्स का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। ओके, तो सवाल है, अब ध्यान से सुनो, ये घूम भी रहा है और आगे भी चल रहा है, वही रोलिंग मोशन, और विदाउट स्लीपिंग, तो कहीं पर भी स्लीपिंग नहीं है, इफ देर इज नो स्लीपिंग। आपको पता है बच्चों, जब ग्राउंड पे कोई चीज चलती है और स्लीपिंग नहीं होती, तो ग्राउंड रेस्ट पे है, तो उस कंडीशन में, सिर्फ ग्राउंड के केस में वी बराबर क्या होगा? आर ओमेगा। ये केस होता है किसके लिए? रोलिंग विदाउट स्लीपिंग के लिए। जब बॉडी किस पे चल रही हो? ग्राउंड पे। और ग्राउंड किस पे है? रेस्ट पे, ठीक है ना? अदरवाइज रोलिंग विदाउट स्लीपिंग के केस के लिए अपन क्या बोलते हैं कि द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मस्ट हैव द सेम वेलोसिटी एज द सरफेस इन कॉन्टेक्ट, कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है उसकी वेलोसिटी वही होनी चाहिए जो सरफेस इन कॉन्टेक्ट की है, मतलब जिस सरफेस पे वो कॉन्टेक्ट में है उसकी वेलोसिटी के बराबर किसकी वेलोसिटी होनी चाहिए? पॉइंट इन कॉन्टेक्ट। तभी तो किसका केस बनता है? रोलिंग विदाउट स्लीपिंग का। अब अगर अपन इसके काइनेटिक एनर्जी की बात करें, बेल्ट की काइनेटिक एनर्जी, तो सबसे पहले अपन को देखना पड़ेगा क्या, उसे देखते हैं।
सवाल समझ आ गया ना। अभी से देखो इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा है मुझे और काफी कंसेप्चुअल है। और अपन क्या लिख देंगे कि काइनेटिक एनर्जी, अब इसको आप ऐसे कर दो, देखो बेल्ट का एक तो पोर्शन ये है, एक पोर्शन ये है जो ग्राउंड के टच में है, ये बिल्कुल ग्राउंड के टच में है नीचे वाला, और एक पोर्शन ये वाला है आधा, और आधा पोर्शन ये है। अब आप ऐसे देखो कि ऊपर का जितना मास यहां से यहां तक है उतना ही मास यहां से यहां तक है, तो मान लो कि इस वाले पार्ट का मास m1 तो नीचे वाले इसका भी m1, और यहां से यहां तक का मास m2 तो यहां से यहां तक का भी मास कितना m2। क्या अपन ऐसा बोल सकते हैं? ठीक है जी, तो इधर का मास m2 m2 m1 m1, तो 2m1 plus 2m2, 2m1 plus 2m2 must be equal to m, क्योंकि बेल्ट का टोटल मास तो m ही है ना। तो क्या लिख दोगे कि m1 plus m2 इज इक्वल टू एम बाई टू। क्या बच्चों ऐसा लिखा जा सकता है? बिल्कुल सर, लिखा जा सकता है। ठीक, ये अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्द लिख देते हैं, ट्रैक्टर ट्रोलर, आपको उससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये इस तरीके का सिस्टम है। कोई है जिसके ऊपर बेल्ट चढ़ा रखी है, साइकिल में पैडल देते हैं ना, तो उस तरीके का सिस्टम ऐसे समझ लो आप। तो एम वन प्लस एम टू बराबर एम बाई टू। अब अगर मैं इस काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, बेल्ट की काइनेटिक एनर्जी, तो बेल्ट की काइनेटिक एनर्जी जब लिखोगे तो देखो क्या लिखोगे, काइनेटिक एनर्जी ऊपर वाला पार्ट प्लस काइनेटिक एनर्जी आधा ये वाला पार्ट प्लस काइनेटिक एनर्जी नीचे वाला पार्ट प्लस काइनेटिक एनर्जी साइड वाला आधा पार्ट। तो मैं अगर इसे चार भागों में बांटूं तो वन टू थ्री फोर। तो अगर अपन इसे देखें तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बेल्ट टोटल वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पहला वाला भाग यहां से यहां तक का प्लस काइनेटिक एनर्जी दूसरा वाला पार्ट यहां से यहां तक का प्लस काइनेटिक एनर्जी तीसरा वाला पार्ट यहां से यहां तक का प्लस काइनेटिक एनर्जी चौथा वाला भाग यहां से यहां तक का। ऐसा लिख सकता हूं? बिल्कुल सर, लिख सकते हो। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है ये वाला, ये इस सरफेस के किस में है, टच में। ये वाला जो पॉइंट है, ये नीचे वाला जो चेन है, ये इस ग्राउंड के टच में है। अब यहां की जो स्पीड होगी वो इस नीचे वाली पूरी चेन की तो होगी भाई, इस पॉइंट की जो स्पीड होगी वही तो इस पूरी चेन की होगी भाई। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी स्क्वायर। तो यहां पर जो वेलोसिटी होगी वही तो इस ग्राउंड के बराबर होनी चाहिए, तभी तो नो स्लीपिंग होगी। इस पॉइंट की वेलोसिटी ग्राउंड के बराबर होनी चाहिए, तभी तो नो स्लीपिंग होगी। अब ग्राउंड किस पे है, रेस्ट पे, तो ये पॉइंट भी किस पे रहना चाहिए, रेस्ट पे। तो अगर ये पॉइंट रेस्ट पे है तो इसकी स्पीड कितनी हुई, जीरो, या वेलोसिटी इसकी कितनी हुई, जीरो। तो इसका मतलब ये पॉइंट भी रेस्ट पे होना चाहिए, इसका मतलब ये चेन जीरो से चल रही है, तो जीरो से चल रही है तभी तो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है। कि इस ग्राउंड के रेस्पेक्ट में स्लिप नहीं करनी चाहिए, ऐसा कब होगा, जब इसकी वेलोसिटी ग्राउंड के वेलोसिटी के बराबर हो। ग्राउंड किस पे है, रेस्ट पे। इसका मतलब नीचे वाले पार्ट की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, जीरो। मतलब काइनेटिक एनर्जी थर्ड ये कितनी हो गई, जीरो। क्या आप मेरी बात से सहमत हो? यही तो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का फंडा है। द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मस्ट बी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द सर्फेस इन कॉन्टेक्ट। क्लियर? और यही केस किसके केस में होता है, एक्सेलरेशन के केस में। चलो, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बेल्ट बराबर क्या बचा, काइनेटिक एनर्जी वन प्लस काइनेटिक एनर्जी टू प्लस काइनेटिक एनर्जी फोर। तीन का तो जीरो हो गया, ओके। काइनेटिक एनर्जी वन, अच्छा ये वन वाला पार्ट, ये वाली चेन, इसका मास कितना है एम वन, अच्छा इसकी वेलोसिटी कितनी है। अब देखो ध्यान से बेटा, ये पहिया घूम रहा है और V से चल रहा है, तो आपको पता है कि टॉप मोस्ट नीचे वाले की जीरो, टॉप मोस्ट की क्या होती है, V प्लस आर ओमेगा। याद है अपन ने क्लास में किया था कि एक पहिया है उसके, इसकी इसकी ऊपर वाले की और नीचे वाले, तो नीचे वाले की तो जीरो, ऊपर वाले की V प्लस आर ओमेगा, इधर की ये वाला ये रिजल्ट है। तो ये किया था ना अपन ने, तो ऊपर वाले की V प्लस आर ओमेगा, तो ऊपर वाले की काइनेटिक, इस बेल्ट की काइनेटिक हाफ एम वन v प्लस आर ओमेगा का होल स्क्वायर, क्योंकि इसकी टोटल स्पीड v नहीं है, v प्लस आर ओमेगा है, क्योंकि इस पॉइंट की जो होगी वही तो इस चेन की होगी या ये सुपर वाले पोर्शन की होगी। तो क्या लिखोगे, काइनेटिक एनर्जी वन क्या लिखोगे, हाफ m1 v प्लस आर ओमेगा का होल स्क्वायर। टू और फोर के बारे में बात करते हैं बेटा, ये समझ आ गया ना, क्योंकि जितना यहां से निकलेगा बेल्ट
वही तो उसकी स्पीड होगी, तो कितना जाएगा v, ये तो ट्रांसलेशन की वजह से, और r ओमेगा रोटेशन की वजह से, तो नेट इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, क्योंकि कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन है, तो नेट इस पॉइंट की कितनी होगी v प्लस r ओमेगा, इसकी कितनी थी जीरो, ठीक है जी, ओके। तो ऊपर वाले पार्ट की कितनी होगी, हाफ एम वन वी प्लस आर ओमेगा का होल स्क्वायर। अब देखो इस पोर्शन का और इस पोर्शन का काम हो गया, अब बचा आधा ये पोर्शन और बचा आधा ये पोर्शन, इन दोनों का मास मिला के कितना है 2m2, कितना है 2m2, और अगर मैं आधा ये मानूं और आधा ये मानूं तो ये पूरी एक रिंग बन जाएगी। कैसे, ध्यान से देखना कि अगर मान लो मैंने आधा पार्ट इधर का लिया और आधा पार्ट इधर का लिया, तो देखना आधा पार्ट इधर का लिया और आधा पार्ट इधर का लिया, पूरी एक रिंग बन गई। तो इधर का मास m2 और इधर का मास m2, इसका मतलब इसका टोटल मास कितना हो गया 2m2, और ये पूरी रिंग जो आधी इधर की और आधी इधर की, ये पूरी रिंग क्या कर रही है, ओमेगा से घूम भी रही है और v से आगे भी जा रही है। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी लिखोगे वो क्या लिखोगे, काइनेटिक एनर्जी कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन में काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास तो क्या कर रहा है ट्रांसलेशन, तो वो तो क्या लिखोगे हाफ 2m2 v स्क्वायर। भाई देखो अब यहां पे जो काइनेटिक एनर्जी 2 प्लस 4 ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको मैंने ये बना दिया, तो जिसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इसका आंसर होगा, किसका 2 प्लस 4 का। भाई मैंने दोनों को जोड़ दिया ना, हाफ पार्ट इधर का और हाफ पार्ट इधर का, दोनों को जोड़ दिया, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी अबाउट सेंटर ऑफ मास, ये किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी 2 प्लस काइनेटिक एनर्जी 4, क्योंकि मैं इसका दोनों को जोड़ के एक साथ निकाल रहा हूं। क्लियर, अच्छा, तो ये v से आगे भी बढ़ रहा है सिस्टम और ओमेगा से घूम भी रहा है, इससे अपना सवाल आसान भी हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास ये क्या होगी, तो सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा है ट्रांसलेशनल मोशन, तो कितना हो जाएगा हाफ 2m2, क्योंकि टोटल मास कितना हो गया 2m2 इनटू v स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी अबाउट सेंटर ऑफ मास, और काइनेटिक एनर्जी अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या होती है हाफ i ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि अबाउट द सेंटर ऑफ मास इस सिस्टम केवल क्या कर रहा है रोटेशन, ठीक है ना, और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, यही तो कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा घुमा के दे दिया सवाल, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा है रोटेशन, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जहां पे आई भी किसके अबाउट सेंटर ऑफ मास के अबाउट, क्योंकि यहां काइनेटिक एनर्जी किसके अबाउट निकाल रहे हैं अबाउट सेंटर ऑफ मास, एक रिंग का अबाउट सेंटर ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू द सेंटर, क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अबे वो तो काइनेटिक एनर्जी होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा हूं मैं, क्या होता है एम आर स्क्वायर, लेकिन यहां पे m की जगह 2m2 आएगा और r की जगह रेडियस आ जाएगा, तो क्या लिख देंगे ध्यान से देखो हाफ m1 v प्लस r ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस हाफ 2m2 v स्क्वायर प्लस हाफ i की जगह 2m2 इंटू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा की जगह क्या लिख दोगे v अपॉन r का होल स्क्वायर, तो यहां पे कितना आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, तो ये आपकी आ गई काइनेटिक एनर्जी ऑफ बेल्ट टोटल। इसे जब आप सोल्व करोगे तो और ज्यादा सोल्व कर सकते हो, सोल्व करके क्या लिखोगे देखो हाफ m1 v प्लस r ओमेगा, और v बराबर r ओमेगा हो जाएगा, तो r ओमेगा की जगह भी v रख देंगे, भाई v बराबर r ओमेगा ही, तो r ओमेगा की जगह v रख दोगे यहां पे क्या हो जाएगा 2v का होल स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बेल्ट इज इक्वल टू कितना हाफ m1 2v का होल स्क्वायर प्लस हाफ 2m2 इनटू v स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 2 से 2, तो क्या आ जाएगा m2 v स्क्वायर प्लस इस 2 से 2, यहां पे भी क्या बचा m2 v स्क्वायर, तो यहां पे क्या बचा देखो इस 2 से नहीं, तो हाफ m1 4v स्क्वायर प्लस m2 v स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर कितना हो गया 2m2 v स्क्वायर, दो से दो बार क्या बचा 2m1 v स्क्वायर प्लस 2m2 v स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बेल्ट आ गई। यहां से 2v स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा m1 प्लस m2, तो इसे क्या लिख दोगे आप, इसे लिख दोगे
टू वी स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या बचा एम वन प्लस एम टू, और एम वन प्लस एम टू किसके बराबर है, एम वन प्लस एम टू बराबर है एम बाई टू के, किसके बराबर है एम बाई टू के, तो हो गया आपका एम बाई टू। ठीक है जी, एम वन प्लस एम टू किसके बराबर है एम बाई टू के, तो यहां से आ गया आपका टू से टू कैंसिल, आंसर कितना आया एम वी स्क्वायर, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी वो कितनी आ गई एम वी स्क्वायर। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों ने, क्लियर, चलो नोट करो इसे, कर लिया नोट। अच्छा एक बात बताऊं आपको, इसकी काइनेटिक एनर्जी एक तो अपन ने दोनों को जोड़ के निकाल ली, एक तरीका और है इसका, अपन ने पढ़ा था एक इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, आपको पता है ये जो पॉइंट है ना, अगर मैं इस हाफ रिंग की बात करूं तो ये वाले पॉइंट के अबाउट ये क्या कर रही होगी, ये रिंग प्योर रोटेशन, वही तो होता है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके अबाउट बॉडी क्या कर रही होगी प्योर रोटेशन। तो अगर अपन हाफ हाफ वाले की इसके अबाउट काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं क्या होगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जहां पे आई किसके अबाउट लिखना पड़ेगा इस पॉइंट के अबाउट, तब भी अपन इसे निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा इसके अबाउट, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चलो मैं निकाल के ही बता दूं तुम्हें। जैसे मान लो मैं इस हाफ वाले का निकालूंगा ना, तो ध्यान से सुनना, इस हाफ वाले की है इसके अबाउट, तो इसके अबाउट काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे, हाफ आई, इसे ओ नाम दे देते हैं, ओ ओमेगा स्क्वायर, तो हाफ आई ओ। अब देखो ये हाफ रिंग है, तो इसके अबाउट यदि निकालना है तो इसके अबाउट किसी भी एक्सिस के अबाउट यहां पे क्या लगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो यहां पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे तो आई इसके अबाउट बराबर क्या होगा, आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर, आई बराबर आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर, तो आई सेंटर ऑफ मास, तो इसका सेंटर ऑफ मास हाफ रिंग का कहां पे होता है, यहां पे, कितने डिस्टेंस पे, 2r अपॉन पाई पे, कितने पे 2r अपॉन पाई पे, ये आ गया आपका सेंटर ऑफ मास, और ये वाली डिस्टेंस ये तो रेडियस r हो गई, तो ये आपको पता है ये कितना है 2r अपॉन पाई, तो ये कितना हो जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस हो गई कितनी, अंडर रूट 2r स्क्वायर प्लस 2r अपॉन पाई का होल स्क्वायर, ये हो गया ना, ये बेस, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा r स्क्वायर प्लस 2r अपॉन पाई का होल स्क्वायर। ठीक है ना, मैं इसे मिटा रहा हूं और एक बार इसका मोमेंट ये काइनेटिक एनर्जी निकाल लें, फिर उसे ऐड कर देना दो से मल्टीप्लाई करके, आंसर फिर भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा आंसर में, तो ये r स्क्वायर प्लस 2r अपॉन, तो ये डिस्टेंस आ गई, तो ये तो आई सेंट, ये तो सेंटर ऑफ मास है, एक हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास यहां से कितने अबाउट होता है 2r अपॉन पाई, तो यहां के अबाउट, तो आई इसके अबाउट आई बराबर या आई ओ बराबर क्या लिखते हैं, आई सी ओ एम प्लस एम डी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं अपन पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, आई ओ बराबर आई सी ओ एम प्लस एम डी स्क्वायर, जहां पे डी का काम ये करेगा, डी बराबर ये हो गया, तो आई ओ बराबर आई सी ओ एम प्लस एम, और डी की जगह क्या लिख दो आर स्क्वायर प्लस टू आर अपॉन पाई का होल स्क्वायर, और देखो यहाँ पे डी स्क्वायर है ना, तो ये तो डी है, अंडर रूट आ गया, स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा। अब आई सी ओ एम क्या आपको पता है क्या इसके अबाउट, नहीं पता, तो इसका अबाउट निकालने के लिए अपन फिर इन दोनों पॉइंट्स का यूज करेंगे। अब आपको पता है कि हाफ रिंग का इसके अबाउट क्या होता है, वही एम आर स्क्वायर, कितना होता है एम आर स्क्वायर, तो इसके अबाउट एम आर स्क्वायर, तो इसके अबाउट निकालने के लिए यदि मुझे इसके अबाउट निकालना है तो इसके अबाउट इसे नाम दे देते हैं सी, तो क्या लिख देंगे आई सी, या बी दे दो, बी नाम दे दो इसे, आई बी बराबर किसी भी एक्सिस के अबाउट, वही वापस पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो, आई सी ओ एम प्लस एम और डी स्क्वायर, अब डी का काम ये करेगा, तो डी की जगह क्या लिख दोगे टू आर अपॉन पाई का होल स्क्वायर, तो आई सी ओ एम और आई बी कितना होता है, इसके अबाउट कितना होता है एम आर स्क्वायर, याद है ना अपने क्लास में किया था, तो ये कितना हो जाएगा एम आर स्क्वायर आई बी, तो ये कितना हो गया एम आर स्क्वायर बराबर आई सी ओ एम प्लस एम टू आर अपॉन पाई का होल स्क्वायर, तो आई सी ओ एम की वैल्यू कितनी आ गई, आई सी ओ एम बराबर कितना आ गया एम आर स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एम
टू आर अपॉन पाई का होल स्क्वायर, इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख दो, तो यहाँ से आई बराबर कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर माइनस एम टू आर अपॉन पाई का होल स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर प्लस एम टू आर अपॉन पाई का होल स्क्वायर, इससे कैंसिल हो गया, एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर कितना हो गया, तो आई कितना आ गया, आई ओ, तो आई ओ आ गया आपका टू एम आर स्क्वायर। भाई साहब ये आई ओ की वैल्यू आ गई। अब आई ओ की वैल्यू आने के बाद देखो अपन ने ये पार्ट तो सेम रहेगा, केवल चेंजेस नीचे वाले इस पीछे वाले पार्ट में, इसके और इसके, तो इसका जो आपने निकाला आई कितना आया इसके अबाउट टू एम आर स्क्वायर, तो ऐसी कितनी रिंग्स हैं, हाफ दो, तो दोनों का इंस्टेंटेनियस एक्सिस के अबाउट जब आप लिखोगे ना, तो यहां से जब डायरेक्ट आप वैल्यू पुट करोगे तो ये कितना होगा काइनेटिक एनर्जी, तो फर्स्ट पार्ट की कितनी आई थी, जो भी आई थी हाफ, कितनी आई थी हाफ एम वन टू वी का होल स्क्वायर प्लस दो इंटू ऐसी हाफ रिंग का, तो कितना आ जाएगा हाफ आई, तो कितना आ गया टू एम टू आर स्क्वायर, टू एम टू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, और ओमेगा की जगह वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, ये दो से दो कट गया, कितना बचा टू एम टू वी स्क्वायर, टू एम टू वी स्क्वायर टू एम आर स्क्वायर, और ऐसी कितनी रिंग्स हैं, ये आई हो गया, हाँ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर और हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, ये आपके पास हो गया टू से टू कैंसिल, कितना बचा टू एम टू वी स्क्वायर, और इधर भी कितना हो गया टू एम वन वी स्क्वायर, तो ये काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, देखो ये चार वी स्क्वायर होगा, दो से दो बार कटेगा तो कितना बचा एम टू एम वन वी स्क्वायर, और इधर भी कितना बचा टू एम टू वी स्क्वायर, तो यहां से आप टू वी स्क्वायर को मन ले लोगे और एम वन प्लस एम टू अगेन कितना आया एम बाई टू, तो आंसर अभी भी कितना आया एम वी स्क्वायर। तो ये किया अपन ने इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ठीक है ना, ये किससे किया इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, आपका दूसरा मेथड है काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने का, ये कौन सी एक्सिस है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट अपन ने क्या निकाल लिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस तरीके से अपन इसकी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप लोग इसे ध्यान रखें और सीखें, थैंक यू।